यस 11th क्लास। अपन ने पिछले वीडियो में लास्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तुल्य समुच्चय क्या होता है। आज अपन देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है, समान समुच्चय क्या है। इसके लिए देखिए एक समुच्चय जैसे ए है, ए समुच्चय 1 2 3, एक सेट बी है 2 1 3, दो सेट है, दोनों सेट इक्वल कब होंगे जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में। जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हैं और सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं, तो उस कंडीशन पर उसको अपन बोलते हैं इक्वल सेट, तुझे समान समुच्चय। अब अगर हमने पावर सेट क्या होता है, सॉरी सबसेट क्या होता है, सबसेट देखते हैं हिंदी में उप समुच्चय। सबसेट इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, हिंदी में इसी को अपन बोलेंगे उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है बोलते, कोई सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 1 2 3 4, समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3, समुच्चय बी में अवयव है 1 2 3 4, समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में है, समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, तो उस कंडीशन को उसको अपन बोलेंगे ए सबसेट है बी का, ये सबसेट का साइन है। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, इसको अपन बोलेंगे ए सबसेट है बी का, समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। यदि केस अपने पास ऐसा है ए 1 2 3 बी 1 2, बेटा ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है लेकिन बी के एलिमेंट ए में है, तो बी उपसमुच्चय है ए का, ये जिन अपने किसका साइन किसका है सबसे बेटा उपसमुच्चय। एक फॉर्मूला याद रखना हो बेटा, सेट ए है 1 2 3 4 एंड सो एंड, समुच्चय ए है, समुच्चय ए में कुल अवयव एन है, सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, सेट ए में एन एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर है। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एन हो तो इसके उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, इसके सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n। अब देखिए एक बात ध्यान रखनी, फाई है सबका सबसेट होता है, फाई सभी का ही उप समुच्चय होता है, कभी भी अपन सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले फाई बनाना पड़ेगा, कभी भी सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले अपने को फाई बनाना होगा, फर्स्ट और लास्ट फिक्स होता है, पहला सबसेट फाइव होता है और लास्ट वाला जो दे रखा होता है वही सबसेट होता है, पहला सबसेट फाइव होता है और लास्ट वाला जो दे रखा होता है वो खुद ही सबसेट होता है। तो यहाँ पर देखिए सेट ए में एन एलिमेंट है तो इसके सबसेट होते 2 की पावर n, ऐसे ही देखिए सेट ए है 1 2, सेट में 2 एलिमेंट है इसके सबसेट कितने होंगे, पावर 2 4, समुच्चय में 2 अवयव है तो इसके उप समुच्चय की संख्या 2 की घात 4,
चार सबसेट कैसे बनेगा, पहला फाइव बनेगा, फिर सिंगल एलिमेंट एक एक एलिमेंट लेना, एक ले लिया फिर दो ले लिया फिर एक, ये चार। मैंने कहा था फर्स्ट फाइव होता है, लास्ट जो ले रखा होता है वो ही होता। बी लेता हूं मैं वन टू थ्री, सेट में बैठा तीन एलिमेंट है, समुच्चय में अवयवों की संख्या तीन है तो इसके उप समुच्चय निकालेंगे। नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर थ्री एट, आठ उप समुच्चय बनाएंगे, पहला फाइव बनेगा, फिर सिंगल एलिमेंट ले लो एक दो तीन, फिर डबल डबल एलिमेंट एक दो एक तीन दो तीन, फिर लास्ट में जो दे रखा हो क्या। सी सेट लिखता हूं मैं एक्स वाई जो, इसके सबसेट बनाने टू की पावर थ्री एट, आठ सबसेट बनाएंगे तो सबसे पहले तो मैंने कहा था फाइव बनता है, फिर सिंगल एलिमेंट सबसेट कब होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट कब होता है, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में, ये कंपलसरी नहीं है कि सेट बी के सारे एलिमेंट भी सेट ए में, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए सेट बी का सबसेट होता है, ये साइन होता है वो सबसेट का होता है, जब बी के एलिमेंट ए में है तो बी सबसेट होगा ए का, सेट ए में एन एलिमेंट है तो इसके सबसेट होते टू की पावर एन, सेट में दो एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर टू फोर, चार सबसेट बनाए। सबसेट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट सबसेट हमेशा फाइव होता है और लास्ट वाला जो भी रखा होता है वो इस टाइप से सबसेट। एक बात बताता हूँ बच्चों, आपको मैंने कहा था समुच्चय का मतलब होता है मजला कोष्ठक लगा दो, समुच्चय का मतलब क्या होता है मजला कोष्ठक लगा दो, इंग्लिश में होता है सेट नहीं होता कर्णी ब्रैकेट लगा दो, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट, हिंदी में बोलते बेटा गात समुच्चय, पावर सेट हिंदी में क्या बोलेंगे अपन गात समुच्चय। पावर सेट क्या होता है, कोई सेट है उस सेट के पहले सबसेट बनाओ, कोई सेट है उस सेट के पहले सबसेट बनाओ, मतलब कोई समुच्चय है उस समुच्चय के पहले उप समुच्चय बनाओ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों ए सेट है, इस ए सेट के पहले सबसेट बना ले, कोई सेट है सेट के सबसेट का सेट, पावर सेट क्या होता है सेट के सबसेट का सेट, मतलब कोई समुच्चय है उस समुच्चय के पहले उप समुच्चय बनो, उस उप समुच्चय का वापस समुच्चय बनाओ, मतलब सेट के सबसेट का सेट। एक सेट है इसके सबसेट टू के पावर टू फोर, चार सबसेट बना दिए, किसी सेट के सबसेट का सेट, सेट का मतलब इसको ब्रैकेट में बनाओ, इसी समुच्चय के उप समुच्चय का समुच्चय, यही गात समुच्चय इसको पी ओ ए बी, इसी को बेटा क्या बोलेंगे गात समुच्चय। गात समुच्चय पावर सेट, मतलब सेट के सबसेट का सेट ही
पावर सेट होता है, कोई सेट है उस सेट के पहले सबसेट बना दूं और उसका वापस सेट बना, सेट मीन्स ब्रैकेट का। बी सेट है इसके सबसेट ये बनाए इसके ब्रैकेट लगा, ये हो गया पावर सेट। सी सेट है इसके सबसेट बनाए इसके ब्रैकेट लगा, ये हो गया पीओ सेट। तो इसी को ये अपन बोलते बेटा पावर सेट, हिंदी में होता है गाद समुच्चय। तो गाद समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के उप समुच्चय का समुच्चय ही गाद समुच्चय कहलाता है। तो अभी अपन ने आज बोलो तीन चीज समझी, पहली चीज अपन ने पढ़ी थी बच्चों इक्वल सेट, समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय का मतलब क्या है, दो सेट है वो इक्वल कब होंगे, जब सेट ए और बी दोनों में एलिमेंट सेम हो, मैं समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी के सारे अवयव समुच्चय में, जब ए के सारे अवयव बी में है और बी के सारे अवयव ए में है तो उसको अपन इक्वल सेट होंगे। फिर अपन ने बड़ा बड़ा सबसेट, सबसेट क्या होता है, सेट ए सेट बी का सबसेट कब होता है, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो उसको अपन बोलते हैं ए बी का सबसेट है। इसको सी से प्रदर्शित करते, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट में अगर एलिमेंट एन है तो इसके सबसेट होते टू की पावर एन। और फिर सबसेट बनाने का मेथड बताया था, सबसे फर्स्ट सबसेट फाइव होता है, पहले सबसेट फाइव होता है और लास्ट वाला जो दे रखा होता है। फिर पावर सेट बताया था, पावर सेट होता है कोई सेट के सबसेट का सेट, मतलब कोई समुच्चय है उससे पहले उस समुच्चय बनाओ और उसका वापस समुच्चय बनाओ, वो इसका क्लास समुच्चय। तो आज की क्लास केवल यहाँ तक ही, आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों वीडियो में यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, संघ सार्वजनिक और महासंघ के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक